हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। जब बचपन में मैं यहाँ पे क्रिकेट खेला करती थी, बाकी हम सभी छोटे छोटे होते थे, तो ये हमारा होम ग्राउंड होता था। यहाँ पे हम कबड्डी भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बाकी सारी जितनी भी गेम्स होती थी वो हम यहाँ पे खेला करते थे। तो यहाँ पे घर भी बन गया है, पहले ये पूरा ग्राउंड ही होता था। तो अभी इनकी गेंद भी यहाँ पे गायब हो गई है, मिल गई होगी। ये है नरेंद्र, यहाँ पे ऐसे ही खेल रहे हैं स्टॉप स्टॉप करके। तो अभी मौसम भी बहुत ही बारिश वाला हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। ये नरेंद्र है, उधर बॉलिंग करवा रहा है। मैं भी खेलूंगी यहाँ पे, लेकिन मेरी टर्न नहीं आई है अभी। इस तरफ से देख सकते हैं आप, नीचे को जंगल है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। एक ग्राउंड हमारा यहाँ नीचे होता था, वहाँ भी हम खेलते थे, लेकिन यहाँ से अब सड़क निकाली हुई है तो ये कट हो गया है। यहाँ से ग्राउंड आधा आधा ही बचा है। ये अभी मौसम जो है वो बहुत ही सुहावना है, हवा चली हुई है, बारिश वाला मौसम है, लगता है बारिश होने वाली है। तो अभी हम ऐसे ही आ गए थे इस तरफ, घर से थोड़ा साइड में है ये, घर के साथ ही में है, नज़दीक ही हमारे घर यहाँ से उस तरफ है। तो यहाँ पे भी हम खेलने आए थे। ये हमारी होम पिच हुआ करती थी, यहाँ पे हम खेलते थे जब जब छोटे छोटे होते थे। तब ये ग्राउंड जो था ये हमें बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब मेरी टर्न आने वाली है, तो आप मेरी वीडियो बनाइए। अब लीजिए ले। अब यहाँ पे प्रवीण जी जो है बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, आ गए हैं मैदान में। तो अभी देखते हैं कैसा शॉट खेलते हैं। बहुत ही बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर जैसे खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ से बढ़िया दिख रहा है शॉट। यहाँ पे अभी हम पांच प्लेयर्स हैं। ये लेक में बॉल चली गई थी हमारी, लेक में, मिनी लेक है ये हमारी। बरसात में इस लेक में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऊपर ऊपर तक। फिर से, और ये अगेन, नहीं बच गई, बच गई, बच गई। और ये सामने रही दुर्गापुर मार्केट, तो दुर्गापुर के साथ ही है हमारा घर। जंगल का रास्ता है, शॉर्टकट है दुर्गापुर से हमारे घर के लिए, बाकी सड़क से भी आ सकते हैं। आप हमारी लेक में देख सकते हैं, बारिश हो रही है। ये है हमारी मिनी लेक, तो आप देख सकते हैं चंद्रदेव शर्मा जी जो है वो बैटिंग के लिए आ गए हैं। होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कमलू आउट हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे नरेंद्र पिच में आ चुके हैं और ये इनको पता नहीं लग रहा है कि मैं बॉल को कैसे मारूं,
क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे के बाद ग्राउंड में पहुंचे हैं। ओ नहीं हो पाया, और ये नहीं, बहुत ही ज़्यादा ढीले प्लेयर देखने को मिलते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं, ये प्रवीण और कमलू तो ऐसे हैं, हर रोज क्रिकेट खेलते हैं फिर भी इतने छोटे छोटे शॉट को कैच नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं इनको वीडियो बनाने को बोलती हूँ तो भी मना करते हैं, अदरवाइज मैंने खुद ये कैच करना था इतना छोटा सा शॉट। देखते हैं अब, गो नाइस शॉट। और ये कमलू को बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉट लग रहा है, नाइस। मैं बॉलिंग करवाऊं तो मैं आपको दिखाऊंगी इन्होंने किस तरह से विकेट लगाई हुई है। इन्होंने बैट का कवर जो है वो पीछे रखा हुआ है, और बोलते हैं कि इसके ऊपर से बैट जाए बॉल जाएगी तो आउट माना जाएगा। तो मुझे ये रूल इनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अभी मौसम मुझे लगता है बारिश पड़ने ही वाली है, तो थोड़ी सी देर के बाद हम घर चले जाएंगे। और ये भारती ने बॉल थ्रो बॉल फेंकी और ये आउट हो गए क्योंकि बीट हो चुके हैं। तो अब भारती की टर्न आ रही है, देखते हैं एक आधी बॉल खेल पाती है नहीं। तो यहाँ पे ओवर थ्रो है। मौसम ऑसम, मौसम सुपर। तो अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा लगने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा यहाँ पे चली हुई है। तो हम घर जा रहे हैं।